1997 से लंबित वेतन का भुगतान मंत्री शाहनवाज हुसैन के हाथों से किया गया। बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम तथा बिहार राज्य औषधि एवं रसायन निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन के द्वितीय और अंतिम किस्त का भुगतान आज किया गया। 1997 से लंबित वेतन का भुगतान मंत्री शाहनवाज हुसैन के हाथों से किया गया। मंत्री ने कहा कि 24 सालों से विभागीय कर्मचारियों का वेतन लंबित था। आज बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम 324 कर्मचारियों को लंबित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। 280 कर्मियों को 34.93 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। प्रथम किस्त 11.60 करोड़ एवं दूसरी किस्त में 23.33 करोड़ भुगतान किया गया। बिहार राज्य हथकरघा एवं हर्षित निगम के 418 कर्मियों में से 370 कर्मियों को बकाया वेतन भुगतान किया गया। अपनी आंखों से देखा कि जो बिहार सरकार के राज्य औषधि और रसायन विकास निगम के अंदर जो कर्मचारी हैं और बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के कर्मचारी हैं, आज उनको हम लोगों ने करीब 80 करोड़ रुपए पहली और दूसरी किस्त मिलाकर हमने दिया है। पहले 25 करोड़ दिया था, आज आप सबके सामने 55 करोड़ रुपए का उनके अकाउंट में RTGS कराया है और किसी को 15 लाख 20 लाख 25-25 साल से नहीं मिला था। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से हम सब ने, उद्योग विभाग ने इनको ये पैसा दे दिया है, इनके अकाउंट में डाल दिया है और जो बचा हुआ है, जो और भी कुछ कर्मचारी हैं जिसमें उनका बची हुई जो तनख्वाह है वो जल्द उनको दे देंगे। ऐसे बहुत जो 324 में से 280 को दे दिया ये रसायन निगम में और हस्तशिल्प निगम में 418 लोगों में 370 को दे दिया। एक बार और उनको बुलाएंगे, देंगे और आप लोगों को भी कष्ट देंगे कि आप आइए। ये बिहार में लोग कहते हैं क्या हो रहा है, तो आप सब गवाह हैं कि आपके सामने हम लोगों ने 80 करोड़ रुपए, तो आज 25-25 साल पुरानी जो तनख्वाह थी, बूढ़े हो गए, घर में बैठ गए, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उनको हम लोगों ने। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।